नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दुखद खबर आ रही है दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिरनिया घरारी गांव में। आपको बता दें कि दक्षिणी बल्लीपट्टी पंचायत है, यहां पर एक युवक सज्जन कुमार यादव जो गेहूं की खेती करने के लिए गया था पटवन करने के लिए, उसी दौरान किसी नंगे तार में सट जाने के कारण उसे करंट लग गई। करंट लगने के बाद आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा उसे कार से लेकर डीएमसीएच लाया गया। डीएमसीएच लाने के क्रम में लगभग एक घंटे का सफर लग गया और इसमें काफी तबियत खराब होने लगी। सज्जन कुमार यादव को पूरे रास्ते आटा उसके शरीर में लपेटा गया जिससे कि उसे राहत आए, ऐसा ग्रामीणों ने बताया है। आपको बता दें कि लेकिन जो डीएमसीएच है उस पहुंचते या डीएमसीएच पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई है ऐसा बताया जा रहा है, और 10 से 15 मिनट तक कोई उसे पूछने के लिए नहीं आया, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जो वहां के लोग बता रहे थे, उस परिवार के लोग। आपको बता दें कि ये काफी दुखद मामला है। कोई किसान अपने खेती के लिए जाए, खेती पटवन के लिए जाए, उस दौरान उसकी मौत हो जाए, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली विभाग के लोगों को भी गौर करना चाहिए और बिजली विभाग को देखना चाहिए, जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे कि इस तरह की बातें क्यों आई है, या फिर जिसकी भी गलती है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और गरीब परिवार को 5 लाख का मुआवजा मिले, ऐसा ये परिवार के लोग मांग भी कर रहे हैं। तो ये काफी दुखद खबर है, आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। डीएमसीएच में अपरा तफरी का माहौल हो गया है, लोगों का रो रो कर बुरा हाल। स्थानीय मुखिया राम स्वरूप पासवान ने दुख जताते हुए कहा है कि जो भी हमसे संभव होगा हम करेंगे। क्या नाम था उसका? सज्जन कुमार। क्या हुआ उनके साथ? कुछ न लाइन खेत पटावे में लग लें तो कथी हो, लाइन लग गया है, करंट लग गया लाइन खेत पटौनी में तो कथी होता। तो कौन सा खेती कर रहे थे? गेहूं। हाँ, गेहूं मकई। हाँ, परता खेती पट रहा है। जिंदा है? जिंदा है, अभी मर गए, डेथ कर गए। तो कहाँ पर, क्या कौन से इसमें करंट लग गया? पोल है लागल, सब चीज जोड़ा ला, खेत पटाय है हमरा सके। बिजली विभाग का तार था क्या? आपका नाम क्या हुआ? आपका आपके नाम कुछ हमरा लिखावे के नहीं है, गाँव गाँव मियां घरारी। क्या हुआ उस गाँव में? उस गांव में क्या हुआ है? गिर गया है। कौन? अच्छा, घटना हो गया, क्या कितना दुखद है, क्या हो गया है? देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना घटा है, क्योंकि जिस जो आदमी का साथ हादसा हुआ उनके दो बच्चियां है, और वो किसान था, और एक किसान मान लीजिए खेत में जा रहा है और अपना रोजी रोटी सब छोड़ करके वो चाहता है जो उपजा करके बच्चों का लालन पालन करे, और वहाँ जो है बिजली विभाग के लापरवाही से और इस तरह का हादसा हुआ है। इसमें ध्यान देना चाहिए बिजली विभाग को कि आइंदा फिर दूसरे के साथ भी इस तरह का कोई घटना न घटे। वो लोग मुआवजा मांग कर रहा है, हम अपने भर तक कोशिश करते हैं कि भाई उनको पूरे के पूरे मुआवजा मिले, ताकि बच्चों के लिए कुछ राहत मिल जाए। वहाँ पर बिजली का वायर ही गया था क्या? वायर गया हुआ था, बिजली विभाग का था। बिजली विभाग का था। तो सट कैसे गया, कुछ पता चला क्या? लग कैसे गया? कैसे फटा, पहले ही से वो तो था ही, वैसे वो लोग तो देखने के पटवन कर रहा था, पटवन कर रहा था। बिजली विभाग कभी जाता भी नहीं है देखने के लिए, कंप्लेन देने से भी सुनता नहीं है, तो क्या किया जाए इस हालत में? अपना तो काम, उसको जो टाइम है उसी हिसाब से पानी तो देना ही पड़ेगा किसान को, उसी क्रम में जो है सो कहीं से करंट उसको लग गया वहीं पर। हालांकि डीएमसीएच ले गया, लेकिन जाते जाते उसको। क्या नाम था मृतक का? सज्जन कुमार यादव। कौन से वार्ड का है ये? ये डब्ल्यू वार्ड 7। वार्ड 7 मल्लीपट्टी दक्षिणी पंचायत सिरनिया, सिरनिया के बगल में ही है। टोले घरारी कहते हैं क्या? घरारी बोलते हैं। सज्जन कुमार नाम का एक लड़का है, वो खेत पटाने के लिए गया हुआ था, उसको बिजली के करंट लगने के कारण से उसको मौत हो गया। हम लोग वहाँ से इलाज के लिए यहाँ डीएमसीएच लाए, यहाँ मृत घोषित कर दिए डॉक्टर, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, और उचित मुआवजा जो हो उसको दिया जाए, बिजली विभाग को हम लोग केस करेंगे। यहाँ आकर के मरा है? यहाँ आकर मरा है, डीएमसीएच मरा है। डीएमसीएच मरा जी, जी। रास्ते में जिंदा था? रास्ते में जिंदा। तो आटा क्यों लगा रहे थे आप लोग? आटा हम लोग कोई कहा जो इसको आटा लगाते चलो जो ठंडा पड़ता है इसलिए, ठंडा। करंट कहाँ पर लगा था? करंट लगा था खेत में। कौन सा खेती कर रहा है? गेहूँ को खेती कर रहा है। कितना बच्चा है इसको? इसके पास तीन बच्चा। तीन बच्चा। उम्र कितना होगा? उम्र इसका 30-32 साल है।
35 साल होगा यही ना। कौन गांव का है? सिरनिया टोले घरारी। इनके पिता का नाम क्या है? अशोक पेपर मिल थाना में पड़ता है। इनके पिता का नाम? इनके बाबूजी के क्या नाम है? क्या नाम है? देवेंद्र यादव। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश यादव है। तो आप रिश्तेदार हैं? हम रिश्तेदार हैं। क्या क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा मिले, 5 लाख रुपया, और बच्चा को भरण पोषण के लिए सरकारी सर्विस। बताइए, मर गया है साजन यादव, उसके पिताजी का क्या नाम है? देवेंद्र यादव। घर कहाँ है उसका? सिरनिया घरारी। कैसे वो उसकी मौत हो गई? माने करंट लग गया है। कौन सा वायर था वहाँ पर, पतला वाला कि मोटा वाला? पतला वाला। पतला वाला? किसी के घर का था कि सरकार का, बिजली का था? बिजली का था। बिजली विभाग का? कहाँ गया था जो करंट लग गया? पटाने गया था। क्याची पटाने? खेत पटाने। तो उसी दौरान करंट लग गया? तो फिर वहाँ से आप लोग कहाँ लेके आए? लेके आए हॉस्पिटल उठा करके। हॉस्पिटल? तो यहाँ आए तो क्या हुआ? डेट बताया था। उसके पूरे शरीर में आटा ये सब लगा रहे थे पूरा? आटा क्यों लगाते हैं? आटा लगाया जो बोला जो करंट लगता है तो उसको पर माने के जो उस समय आता है, इसलिए मारे सारे सुबह। तो यहाँ जब लेके आए तो डॉक्टर आ गया तुरंत देख लिया ना? डॉक्टर तो आया था, देखा। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोला जो खत्म हो गया, तो बिजली के करंट से उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? हीरा लाल। आप उसके कौन है उस लड़का के? हाँ। बच्चा कितना है उनको? दो। आपके गांव के लिए कितना दुखद है ये खबर? जो मर गया है कितना दुखद है गांव के लिए? कोई दुखद नहीं है। कोई दुखद नहीं है।